पिताश्री। भैया। नहीं गणेश, बोलने दो मुझे। मुझे भी आपसे कुछ कहना है पिताश्री। भक्तों पर दया की वर्षा करने वाले भोलेनाथ अपने सर्वोच्च भक्त की भक्ति को क्यों भूल रहे हैं पिताश्री? पुत्र कार्तिकेय, मैं कभी अपने किसी भक्त को नहीं भूलता। तो मां का स्मरण क्यों नहीं हो पा रहा है आपको पिताश्री, जो आपके तप में तल्लीन होकर सब कुछ भुला बैठी है? अभी उसका उचित समय नहीं आया पुत्र। उचित समय नहीं आया, अर्थात पिताश्री मां की भक्ति की ऐसी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं पिताश्री? क्यों? दुष्ट असुर अंधकासुर पर कृपा वृष्टि की आपने, असुर गुरु शुक्राचार्य को भी दंडमुक्त कर दिया, जिनके कारण देवासुर महासंग्राम हुआ, किंतु केवल मेरी मां की सुध क्यों नहीं ले रहे हैं पिताश्री आप? उनकी ऐसी उपेक्षा क्यों? क्या अंधकासुर और असुर गुरु शुक्राचार्य से शेष नहीं है क्या मेरी मां की भक्ति? गणेश, अपने चेष्ट को समझाओ। मेरे न्याय पर्दा पर प्रश्न उठाना उचित नहीं। क्षमा करें, किंतु समझने की आवश्यकता तो आपको है पिताश्री। हाँ, हमें क्षमा कीजिए पिताश्री, किंतु अब हम अपनी माँ का कष्ट और नहीं सह सकते। आप माँ को उनके तप का फल क्यों नहीं दे रहे हैं पिताश्री? उनके प्रति इतनी कठोरता क्यों? क्या आप माँ के पास जा रहे हैं पिताश्री? नहीं, नहीं। पुत्र कार्तिकेय, तुमने यही प्रश्न किया था कि मैंने अंधकासुर को वरदान क्यों दिया। असुर गुरु शुक्राचार्य पर कृपा क्यों की? इन दोनों की भक्ति में समर्पण का भाव है। तो माँ की भक्ति में कैसा अभाव है पिताश्री? माँ सबसे बड़ी भक्त है आपकी पिताश्री। माँ की भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, हमने अपने नेत्रों से देखा है। नेत्र जो दिखाते हैं उसकी सत्यता की परख तभी होती है जब हृदय भी उसका अनुभव करे। किंतु तुम कहते हो कि उमा मेरी सबसे बड़ी भक्त है, तो मैं तुम्हारे इस कथन पर अवश्य ध्यान दूंगा, परखूंगा उसकी भक्ति, परखूंगा उसकी भक्ति, परखूंगा उसकी। पिताश्री माँ की भक्ति परखेंगे? जा रहे हैं।
ये क्या? पिताश्री ने माता गंगा की धारा को मुक्त कर दिया अपनी जटा से। माता गंगा की जलधारा का प्रचंड प्रवाह तो सर्वत्र विनाश कर सकता है। ये प्रचंड धारा तो माँ की ओर जा रही है। प्रचंड जलधारा माँ की परीक्षा लेने के लिए मुक्त हुई है। ये उन तक पहुँच गई तो उन्हें बहा ले जाएगी। शीघ्र इसका कुछ उपाय कीजिए भैया। अवश्य अवश्य मुझे ही कुछ करना होगा। किसी भी परिस्थिति में इस जलधारा को रोकना ही होगा मुझे। इतने तीव्र वेग से माता गंगा की जलधारा पृथ्वी तक पहुंच गई। आपको और ऊंचाई पर जाना होगा मयूर जी। भीषण रूप लेकर इस वन को नष्ट कर तीव्र वेग से आगे बढ़ती जा रही है ये जलधारा। शीघ्र ही कुछ करना होगा मुझे, अन्यथा माँ को भी लील लेंगी गंगा माता। कितनी ऊंची उठती उग्र तरंगे हैं इस जलधारा की, कैसे रोकूं उन्हें? देर में मां तक पहुंच जाएगी।